वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ यूनियन बजट 2021-22 जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में मैंने इनकलकेट किए हैं वो क्वेश्चंस जो कि यूनियन बजट से रिलेटेड हैं साथ ही साथ में कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि यूनियन बजट से रिलेटेड हैं जो आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होने वाले हैं हाल ही में फर्स्ट ऑफ फेब टू को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट को रिलीज किया आइए देखते हैं उस बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट पूछे जा सकते हैं पहला क्वेश्चन है बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं को टैक्स में राहत दी गई है ऑप्शन हैं 60 वर्ष से ज़्यादा ऑप्शन बी 50 वर्ष से ज़्यादा ऑप्शन सी 70 वर्ष से ज़्यादा या फिर ऑप्शन डी 75 वर्ष से ज़्यादा इसका सही उत्तर है 75 वर्ष से ज़्यादा के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको टैक्स में राहत दी गई है आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ सरकार की विनिवेश रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2021 22 में किस कंपनी का आई लॉन्च किया जाएगा पहला उसका ऑप्शन है एयर इंडिया दूसरा ऑप्शन है एल तीसरा ऑप्शन है एस या फिर इनमें से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बजट 2021-22 के शो करते हैं दो रेवेन्यू टारगेट फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट इन 2020-21। एज अ पार्ट ऑफ स्ट्राटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट दी आईपीओ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन विल बी लॉन्च इन टू थाउजेंड आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है आपको बता दें इस बार विदाउट पेपर बजट लॉन्च हुआ है सो so, एक बहुत ही अच्छी और एक इनोवेटिव अप्रोच रही है गवर्नमेंट की तो आइए देखते हैं मोबाइल ऐप्स के ऑप्शंस, योनो मोबाइल ऐप के जरिए या फिर द बजट ऐप आप। थर्ड ऑप्शन है यूनियन बजट मोबाइल ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है यूनियन बजट मोबाइल ऐप आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं इसके ऑप्शन हैं एक सिर्फ अंग्रेजी ऑप्शन नंबर टू दो अंग्रेजी और हिंदी ऑप्शन नंबर तीन अंग्रेजी हिंदी और मराठी ऑप्शन नंबर डी चार लैंग्वेजेस दैट इज अंग्रेजी मराठी हिंदी और साथ ही साथ में तमिल तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज दो भाषाएं अंग्रेजी और हिंदी आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया ऑप्शन ए इन्फोसिस ने ऑप्शन बी टेक महिंद्रा ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसका सही उत्तर है एनआईसी दैट इज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने डेवलप किया आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ

यूनियन बजट ने एलोकेट किया है इतना अमाउंट हेल्थ और वेलबींग well सेक्टर के लिए फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22 ताकि वो तीन की एरियाज को स्ट्रेंथन कर सके प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड वेलबींग अपार्ट फ्रॉम दिस बजट एलोकेशन में पैंतीस हजार करोड़ कोविड 19 की वैक्सीन के लिए भी एलोकेटेड है आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन एलोकेटेड फॉर बीई ई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इन बजट 2021 ऑप्शन ए है 4.12 लाख करोड़ ऑप्शन बी 4.39 लाख करोड़ ऑप्शन सी 34.50 लाख करोड़ एंड ऑप्शन डी 5.54 लाख करोड़ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रुपीज फाइव लाख करोड़ ये एलोकेट किया गया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बी अ शार्प इंक्रीज होगा इससे इन कैपिटल बजट ऑफ 34.5 परसेंट ओवर रुपीज लाख करोड़ Let's move on to next question. फिजकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच परसेंट ऑफ जी डी पी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एज पर यूनियन बजट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो इसके लिए ऑप्शन हैं नाइन पॉइंट फाइव परसेंट सेकेंड एट पॉइंट एट परसेंट थर्ड सेवन पॉइंट फाइव परसेंट या फिर फोर्थ सिक्स पॉइंट एट परसेंट सो फिजिकल जो डेफिसिट है इसको एस्टिमेट किया गया है सिक्स पॉइंट एट परसेंट राइट ऑफ द जी डी पी नाउ स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा लाइक फिजिकल डेफिसिट जैसी टर्म होगी जी डी पी जैसी टर्म

What is the budget 2021 allocation for Indian railways? Option A: Rs 1 lakh 10,055 crores. B टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड करोर्स सी वन लाख फोर्टी वन थाउजेंड करोर्स या फिर डी थ्री लाख फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी फोर करोर्स सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें से बेसिकली जो अमाउंट है एक लाख दस हजार पचपन हजार रुपये करोड़ का इसमें एक लाख सात हजार सौ करोड़ रुपये को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है एंड जो बजट है ये ले करता है कि नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया है बेसिकली 2030 तक बाय रेलवेज क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द द बजट 2021 एफडीआई एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 74 इन द इंश्योरेंस सेक्टर भाई इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मेंसेंट तक बजट 2021 के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है अब ये जानना चाह रहे हैं कि प्रीवियस क्या थी सो so, प्रीवियस में आपको तो चार ऑप्शन दे रखे और इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दैट इज पहले फोर्टी ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ था हम आपको बता दें बेसिकली ये जो फिगर है percentage का ये हर बार जो है है ना करती वो को को करती करती है है जो हैं वो बहुत ज्यादा ना हो जाए जो कि इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैम्पर करेंगे हमारे जीडीपी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आएंगे राइट right? नेक्स्ट द यूनियन बजट 2021-22 ट्वेंटी द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट टू व्हाट अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें जो राइट right ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दैट इज 16.5 लाख करोड़ बजट ने इन्हांस किया जो क्रेडिट टारगेट है पॉइंट पांच लाख करोड़ पे फॉर 2021-22 के लिए ताकि जो मेन फोकस है वो एनिमल हजबेंड्री पे हो पाए डेयरी एंड फिशरी सेक्टर में ज्यादा फोकस हो पाए एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें आइए देखते हैं अगला प्रश्न किस वर्ष में ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था सो so, चार ऑप्शन हैं आपके पास में एंड डेफिनेटली यू ऑल नो कि 2021 में ही पहला पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहला बजट किसने पेश किया था आपके पास चार ऑप्शन हैं आर के शनमुखन शेट्टी ने पेश किया था जेम्स विल्सन ने एडम स्मिथ ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो पहला बजट भारत में जेम्स विल्सन जी ने पेश किया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा दस बजट पेश किए थे है ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमन मुरारजी देसाई अरुण जेटली या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो इसका राइट right आंसर है मुरारजी देसाई उन्होंने टेन बजट पेश किए थे इस पूरी जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज से उसका लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल क्वेश्चन आइए देखते हैं अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट शाम पांच बजे पेश होता था वर्ष 2001 में इसे बदलकर सुबह बजे कर दिया गया अब किस वित्त मंत्री द्वारा पहली बार बजे बजट पेश किया गया यशवंत सिन्हा पी चिदंबरम जसवंत सिंह या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इसका राइट आंसर है यशवंत सिन्हा के टाइम पे 2001 में उन्होंने सबसे पहले 11 बजे बजट पेश किया तो होप स्टूडेंट्स ये 15 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी जिसमें यूनियन बजट दो

अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस Academy के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।